हे फूडीज, वेलकम टू फाइव फ्लेवर्स प्लेट। आज मैं आपसे हल्दीराम स्टाइल आलू भुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इस क्रंचीनेस को सुने एक बार। बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसे आप 15 दिन तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 2 मीडियम साइज उबले हुए आलू। आप आलू को कद्दूकस कर ले या फिर मैश कर ले। कद्दूकस किया हुआ आलू को हम एक मिक्सिंग बोल में ले लेंगे। इसमें हम 1.5 कप बेसन डालेंगे, 2 बड़ी चम्मच जितना चावल का आटा डालेंगे, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच आमचूर का पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक और 2 छोटी चम्मच तेल डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिलाएं। इसका हम सॉफ्ट सा आटा गूंद लेंगे। गूंदते समय अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी डाल देना। अगर आटा बहुत ही स्टिकी है तो आप इसमें और थोड़ा सा बेसन डाल दें। ऊपर से 1 छोटी चम्मच जितना तेल डालकर इसे फिर से गूंद लेंगे। नॉन स्टिकी सॉफ्ट सा आटा तैयार है। मेरे पास इस तरह का मुरुकु मेकर है जिसमें आपको सेव बनाने का एक प्लेट मिल जाएगा, आप उसे डाल दें। अंदर अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे। आपके पास जिस तरह का भी मुरुकु मेकर या फिर सेव मेकर है आप उसे यूज कर सकते हैं। अब गूंदे हुए आटे को हम सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे और उसे सेव मेकर में डाल देंगे। आटा ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। अगर आटा सख्त है तो थोड़ा सा पानी डालकर उसे सॉफ्ट बना ले। पहले से ही तेल को गरम करने रख दे। गरम तेल में ही डायरेक्टली सेव को प्रेस करना है। ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम मीडियम ही हो। क्योंकि हमने गूंदते समय तेल डाला हुआ था, जब आप इसमें प्रेस करोगे गरम तेल में तब भुजिया सेपरेट सेपरेट रहेंगे, ऐसे एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। अब देख सकते हो कि तेल का जो झाग था वो कम हो चुका है। जब पूरी तरह से तेल का झाग कम हो जाए तब आप भुजिया को पलट कर फ्राई करना। लाइट गोल्डन ब्राउन आने तक ही इसे फ्राई करें, ज्यादा डार्क ब्राउन कलर हमें नहीं चाहिए। अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम तेल को ड्रेन करके इसे निकाल लेंगे। दूसरी बैच भी हम कर लेंगे ऐसे ही। जब तक आटा खत्म ना हो जाए आप भुजिया बना लेना। घर पर बनाने से क्या होता है कि हम फ्रेश तेल ही यूज करते हैं, ऐसे नहीं कि बार 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 जैसे बाजार में यूज करते हैं तेल को, हम वैसे नहीं करते। तो इससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा हेल्थ के लिए भी अच्छा हो जाता है। बहुत ही आसान रेसिपी है और बच्चों को भी बहुत पसंद है। आलू भुजिया तैयार है, तो इसे आप जरूर बनाएं और एंजॉय करें। चाय के साथ तो बहुत ही मजेदार लगता है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।